am in Assam, Guwahati. Kamakha Devi ke temple mein abhi ja rahi hu. Sabke liye aashirwad mangungi, aap sabke liye. पूरा हैंडवर्क है, कि आप इसको गूगल में देख के सर्च कर सकता है कि कैसे पहनता है, और बहुत सुंदर पहना हुआ, बहुत सुंदर लगता है। मेरे पास कुछ पीसेज होगी, विजिबली देखा इसमें वर्क कम है। हाउ इज दिस जीबी, मतलब इफ आई एम नॉट गेटिंग रेड एंड व्हाइट तो आई कैन डू विद द रेड। ये भी रेड दिखाइए, ये रेड। ओह वेल, सो आई एम डन विद शॉपिंग। आप लोगों ने लंच से पहले इधर लेकर आ गए, नाश्ता नहीं किया, थोड़ा सा नाश्ता नहीं, लंच कर लो। आप लंच करने जा रहे थे? अच्छा, खा पी के आते तो सब अच्छा लगता। तो मैं शॉपिंग करते करते इमोशनल हो गई। मैंने इतना सारा मेखला खरीद लिया, लेकिन बहुत मज़ेदार बात यह है कि मेखला ना मतलब सिलना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि दुकान से ले लो, आप घर पे जाके आप पहन सकते हो तुरंत। इसमें जुर्म करना पड़ता है, तो मतलब इट साउंडिंग फनी टू मी, ऐसा साउंडिंग लाइक जुलूम, बट जुर्म क्या होता है दिखाओ ये भैया। इसको बोलते हैं जुर्म करना। अच्छा, ये छोटा छोटा है और ऐसे लंबे लंबे भी है, लाइक टैसल्स। तो सारे इसके ना ये अनफिनिश्ड होता है, तो उसको काट के आप अपने हिसाब से लंबे लंबे या छोटे छोटे जुलूम करा सकते हैं। तो मैंने तो शॉपिंग कर ली, अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं बॉम्बे में जाके इसको कंप्लीट कराऊँ। मेखला मेखला चादर और ब्लाउज और जुलूम मैं बॉम्बे में जाके करूँ कि इधर ही कर दूँ। भाई साहब हमें भेज देंगे मुंबई में, मैं क्या करूँ, मुझे बताइए। स्टिचिंग करवाना होगा तो मैं बाय कोरियर भेज दे सकता हूँ। पिंक के हाथ में मिला एक, बाकी सब कोरियर होगा। आई नो, फैंसी बाजार में इलाही कॉम्प्लेक्स में। जशवंत टेक्सटाइल्स, जशवंत, जशवंत जी खुद मिले जशवंत टेक्सटाइल से, और वो आपको एकदम जो टॉप टॉप डिज़ाइन है वो भी निकाल के दिखाएंगे इस तरीके से कि आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाओगे कि मुझे ये भी चाहिए कि वो भी चाहिए। पेटीकोट के ऊपर वो उसको ऐसे करके डाला, पेटीकोट के ऊपर आप ये मेखला पहनेंगे। हाँ। इसको प्लीट्स में डाल के ऊपर प्लीट्स में डाल के प्लेन ऐसे डाल लिया लाइक अ स्कर्ट। यस, इसको ऐसे घुस जा। फिर इस वाले को कैसे बनाते हो? इस वाले को, अच्छा हाँ, इसको आप है ना एंड में, अच्छा ये जो है जुलम कर लिया तो ये सुंदर दिखेगा सामने से। आप इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे डालेंगे, ऊपर वाला प्लेस करके ऊपर पहन। इट्स वेरी इजी। वाह, देखिए तो मुझे यूट्यूब से ढूंढना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अगर जानना है कि मेखला किस तरीके से पहनते तो आप मेरा यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं। चल चल के शॉपिंग करना, पूजा देना, अब खाना खाना भी बाकी है। और कुछ बाकी है हमारा? नहीं, मुझ मैं इतनी भूखी हूँ, मुझे अभी लगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खाना खा लूँगी उसके बाद फिर तैयार होंगी, वो भी तो देखना ज़रूरी है। So, let's see. फिर से मुझे दिखी बच्चों का दुकान जहाँ मिलता हगीज पैंपर्स, पर मुझे ये सब नहीं खरीदना है। देखो पीछे गाड़ी, ये अपनी गाड़ी नहीं। What is Assamese local food? Staple diet is rice and thali, rice thali. Local food खाओगी, cuisine try करोगी? तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे local cuisine मिलता है? Let's go. I'm so hungry. ये सोच रही होगी सुबह मैंने इसके सामने बैठ के 3 डोसा खाया, फिर भी I am saying I'm hungry. लेकिन what's the time? It's very late. I should be hungry. तो अभी हम लोग आए हैं Assamese का लोकल क्विजीन खाने के लिए।
एक रेस्टोरेंट है विच इज ऑथेंटिक असमी जिसका नाम है मिचिंगा। तो साड़ी खरीदी मेखला, अभी मिचिंगा में खाना खाने आए हैं। A few moments later. हमारे थाली आ चुका है, ये कुछ तो फ्राई है, ये आलू भाजा, छोटे छोटे आलू भाजा, दिस इज सम चटनी, दिस इज बीन्स, ओह दिस इज बीन्स, नहीं नहीं सम साग, दिस इज पोटैटो, दिस इज पापड़, राइस, यम यम यम, द फूड इज जस्ट यमी, आई एम सो हंग्री, मुझे रोड पे भी बिठा देते ना खाने के लिए, यानी यम्मी, बट जेन्युइनली राइट नाउ दिस इज फीलिंग लाइक अमृत। ये है मैश रॉ पपीता, मिर्ची और पता नहीं क्या जो भी है, बहुत मस्त है, बहुत यम्मी लगा मुझे। Few moments later. So guys, back to the hotel. आते ही at least face clean कर लिया। थोड़ी देर relax करूँगी। सिर्फ बचा है around 45 minutes. सोचा hotel room में हूँ, कुछ तो interesting किया जाए। अकेले हूँ। मैंने bath salt मंगवाया, but I just hope कि हो। अगर नहीं भी हो, तो कोई problem नहीं। बिना उसके ही कर लेंगे। ये कोई आया है, लेट्स सी जो मैंने मंगवाया वो है कि नहीं बाथ सॉल्ट। हाय, ओ थैंक यू, दिस इज अ बाथ सॉल्ट। और ये है बाथ क्या, तो थोड़ी देर अपने आप को पैम्पर कर लूँ, एटलीस्ट मुझे लगता है गर्म पानी में खुद को सोक कर लूँगी तो आई फील अ लॉट रिलैक्स्ड एंड यू नो थोड़ा सा इवनिंग में वो जो डांडिया खेलने जाऊँगी वो इन्जॉय करके खेलूँगी। ऐसा नहीं हो कि इवेंट में सेलिब्रिटी आई है एकदम थकेली, तो अपने आप को रिजुविनेट कर लूँ और फिर मिलती हूँ। लेटर दैट सेम इवनिंग, तो मैं यही ड्रेस पहन के रेडी हो गई हूँ जो मैंने स्टैंड बाई में रखा था। मुझे लगा कि ये थोड़ा सा सोबर है और थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन अभी तक हम लोग होटल में ही है। वाओ, फ्रेश एंड फाइन, हिप एंड हैपनिंग, लेकिन कहीं नहीं जा रहे हैं। जब बुलाएंगे तब जाएंगे। इस ब्लॉग में मेन कंटेंट ऐसा था कि मैं आई हूँ डांडिया अटेंड करने के लिए, और वो डांडिया का फुटेज आपको मैं दिखाऊंगी मात्र एक मिनट। जीवी भी रेडी हुई है, देखिए कितने सुंदर तरीके से। जीवी का हैप्पी बर्थडे आ रहा है। जीवी के हैप्पी बर्थडे ने हम लोगों ने क्या किया हैप्पी बर्थडे में, वो तो आप लोग देखना चाहेंगे निश्चय, तो प्लीज लिख के भेजिए। हम लोग जीवी का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे, कुछ तो करेंगे इंटरेस्टिंग, और कुछ अगर प्लान आप लोगों के दिमाग में है तो मुझे जरूर से लिख के भेजिए। वैसे उसका बर्थडे है अभी 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 बस 27 तारीख को। प्लान सोचिए, हम भी सोच रहे हैं, तो मिलते हैं, चलिए। हम वेन्यू फाइनली पहुंच गए हैं और अभी बजे हैं ऑलमोस्ट रात के 9 बजे। आपको भी नाचना होगा, मैं पलट पलट के देखूंगी।
यहाँ पे मैं औरतों को पूछूंगी, आदमी को बाद में पूछूंगी। आप लोग कितने लोग मेरे YouTube चैनल देखते हैं? उन सबको मेरे YouTube चैनल में दिखाओ। गुवाहाटी वाले दीपिना के एपिसोड में ये सब दिखनी चाहिए। क्या नाम है आपका? ये दिस डांस इज फॉर ऑल द दीपिना डिकोड फैंस एंड विद लॉट्स ऑफ लव। It is a beautiful city. सुबह से मैं घूमी हूँ कामाख्या टेम्पल और छोटे छोटे जो नैनो पोटैटोज है यहाँ के, मैं इतनी बड़ी फैन हो गई कि मैं 2 किलो पोटैटो लेके जा रही हूँ। जल्दी मिलती हूँ और यहाँ देखने के लिए और कुछ नहीं है। चलिए मेरे साथ वापस मेरे मंडन जिंदगी में, जो कि मंडन नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में लियाना और दिविशा मेरे इंतजार कर रहे हैं।